हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो फॉर यू। दोस्तों, आज हम इसके टिश्यू कल्चर के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने आपको कंजर्वेशन के टाइप्स तक पढ़ा दिया था। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पर एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाता है, वहाँ पर इस मेथड से क्या करते हैं हम कि डायरेक्ट फ्यूजन को बाईपास करते हुए हम नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं और प्लांट्स का कल्चरिंग कर सकते हैं। तो एम्ब्रियो क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, हम एम्ब्रियो समझते हैं। आपने सीड में जो नुकीला भाग रहता है, आप देखते होंगे कि सीड को फोड़ते हैं तो अंदर कुछ उसमें एक एक छोटा सा अलग से स्ट्रक्चर मिलता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर। उसी लीफ जैसे स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। उसमें थोड़ा छोटा दिखता है और ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है, उसमें थोड़ा सा अलग दिखता है। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है दोस्तों? उसी एम्ब्रियो को वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सीजर करके निकाल लेते हैं उसको। उस एम्ब्रियो को फिर क्या करते हैं हम लोग, कल्चरिंग करते हैं। यूजिंग एम्ब्रियो कल्चर सी डोरमेंसी कैन बी रिमूव ओवरकम। देखो दोस्तों, एम्ब्रियो कल्चर का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग डोरमेंसी होती है, बहुत लंबी डोरमेंसी होती है। जैसे कुछ कुछ सीड में तो एक एक दो दो साल तक डोरमेंसी होती है। कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है, जो लोटस का सीड होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा अब तक मीन्स उसकी डोरमेंसी का पता ही नहीं कर पाए हैं। बोलते हैं कि कई सालों, कई 11 सालों तक भी उसमें डोरमेंसी रह सकती है। तो दोस्तों, ये डोरमेंसी किस कारण होती है? आपको मालूम है, एक एक डोरमेंसी दो तीन चीज़ के कारण होती है। एक तो सीड कोट के कारण होती है, एक उसमें पाए जाने वाले जो केमिकल कंटेंट होते हैं उसके कारण डोरमेंसी होती है। तो जो एम्ब्रियो कल्चर होता है उससे क्या करते हैं हम, डोरमेंसी की जो प्रॉब्लम्स है, जो दुनिया की बगैर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोरमेंसी की, सीड के प्रोपेगेशन और जर्मिनेशन में, तो उससे हम बाहर आ सकते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू विच कैन बी सरकमस्टम पोस्ट जैगोटिक बैरियर। देखो दोस्तों, एम्ब्रियो का जो आपने रेस्क्यू किया, एम्ब्रियो रेस्क्यू, तो इससे क्या होगा, इसका उसका पोस्ट जैगोटिक बैरियर, और जो है ना पोस्ट जैगोटिक बैरियर है ना, बैरियर्स है ना, उससे हम बच सकते हैं। मैंने बोला कि पोस्ट जैगोटिक बैरियर क्या होते हैं कि जायगोट जो बनता है उसके बाद कई पोस्ट जैगोटिक बैरियर्स जो होते हैं उससे, जायगोट से पहले के बैरियर, सॉरी, पोस्ट जैगोटिक बैरियर्स जो फर्टिलाइजेशन और जो होता है उससे हम बच सकते हैं। टू राइज द रेयर हाइब्रिड्स बाय रिस्क्यूइंग एम्ब्रियो फ्रॉम द इनकम्पेटिबल क्रॉस इन द मोस्ट पॉपुलर। देखो दोस्तों, इसमें क्या है, टू राइज द रेयर हाइब्रिड्स बाय रेस्क्यूइंग एम्ब्रियो फ्रॉम इनकम्पेटिबल क्रॉसेस। जहाँ पर क्रॉस इनकम्पेटिबल होते हैं, जहाँ पर हम क्रॉस की संभावना डिफिकल्ट होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं एम्ब्रियो, इस मेथड एम्ब्रियो कल्चर मेथड से हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू करके और एम्ब्रियो का एवोल्यूशन करके हम लोग से क्रॉसिंग का जो प्रॉब्लम्स है उससे बच के हम कल्चरिंग कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सोमेटिक और नॉन जर्म सेल। जो क्या होता है कि एम्ब्रियो कहाँ से लेते हैं हम लोग, जर्म सेल जो रहती है उनसे ले सकते, नॉन जर्म सेल, और जो सीड स्पेशली होता है सोमेटिक सेल का भी कोई, हम लोग उसको एक सोमेटिक सेल से हम ले सकते हैं। यूजली इन्वॉल्व अ कैलस इंटरमीडिएट स्टेज विच कैन रिजल्ट इन वेरियस वेरिएशन अमंग सीडलिंग्स। यूजली इन्वॉल्व कैलस इंटरमीडिएट, इसमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट में कैलस तो बनता ही है, स्टेज विच कैन रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग द सीडलिंग्स। तो दोस्तों, जिसमें कैलस बनने का है कि थोड़ा बहुत सीडलिंग्स के में वेरिएशंस आ जाते हैं। दूसरा है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड प्रोडक्शन। देखो दोस्तों, ये आपको पता हो, एंथर ओवरी और ओविल कल्चर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो एंथर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड्स होते हैं। तो एंथर और ओवरी ओविल कल्चर जो होता है उससे क्या करते हैं हम, हैप्लॉयड प्लांट्स बना सकते हैं।
तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ प्योर होमोजाइगस लाइन इन लेस टाइम पीरियड। तो दोस्तों, एंथर कल्चर वगैरह जो है प्लॉट, इसमें क्या होता है कि होमोजाइगस लाइन मीन्स एक जैसी लाइन जिसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है, और मॉर्फोलॉजिकल तो भिन्न हो सकता है बट जेनेटिकल आइडेंटिकल होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमोजाइगस लाइन बोलते हैं। तो ये बहुत कम समय में हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत कम समय में। जैसे कि अब अगर हम लोग इसको प्रॉपर सीड के जर्मिनेशन से अगर जाए, हम लोग जर्मिनेशन मेथड से जाएं, तो हमें कितना टाइम लगेगा। सीड जर्मिनेट कराएंगे, इसको बड़ा करेंगे, कुछ कुछ प्लांट्स में तो अगर जो पेरिनियल्स हैं तो उसमें फ्लावरिंग आने में भी 3 3 4 4 साल वर्ष लग जाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो पुराने प्लांट से हमने डायरेक्ट एंथर रेस्क्यू किया, एंथर कल्चर, उसको कल्चर किया और नया प्लांट तैयार कर दिया, और वो प्लांट टोटली हैप्लॉयड होता है। तो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैप्लॉयड प्लांट प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जो टॉप इस पॉइंट है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट लाइन्स। और दोस्तों, इनका क्या है, जो एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड्स होते हैं मीन्स मेल हैप्लॉयड्स, देखो जिस समय मोस्टली मेल प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, इसको एज हम लाइन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉयड्स आर यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट लाइन्स ऑफ एनी प्लॉट्स, लाइक मोनोसोमिक है, नलसोमिक है, ट्रांसोमिक इटीसी, ये सभी तरह के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ म्यूटाजेनेसिस, अब इसमें हम म्यूटेशन भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो म्यूटाजेंस होते हैं उनसे म्यूटाजेनेसिस कर सकते हैं। म्यूटाजेनेसिस क्या होता है कि म्यूटाजेनेसिस म्यूटेशन, जो म्यूटाजेनिक केमिकल्स होते हैं उसका एप्लीकेशन करके म्यूटेशन क्रिएट करना ही म्यूटाजेनेसिस कहलाता है। रिसेसिव ट्रेट्स, एग्जांपल लो ग्लूकोस सैनुलेट इन ब्रेसिया कैन बी मेड एक्सप्रेस्ड। और जो रिसेसिव ट्रेट है ना, उन वो भी इसमें अपन एक्सप्रेस करके देख सकते हैं। तो अगर इसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे तो ग्लूकोसाइनोलेट जो होता है तो उसका अपन बेनिफिट्स देख सकते हैं, अच्छे अच्छे काम के लिए और रिमूव करने के लिए भी। यूज इन हाइब्रिड डेवलपमेंट एंड अर्ली रिलीज वैरायटी। और इसको किस में यूज करते हैं, हाइब्रिड डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लाइन बनी है इन लाइन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वेजिटेबल साइंस में, उनमें हम यूज करते हैं। अर्लीनेस ऑफ वैरायटी, अर्लीनेस मीन्स जल्दी हार्वेस्टिंग करने वाली वैरायटी है। अब जो हमारा दूसरा जो मेन मेन टॉपिक है, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन क्या होता है, तो ये होता है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल बाय लिविंग सीड लाइक स्ट्रक्चर आर एनी टोटिपोटेंट सेल। जो दोस्तों क्या है, देखो हम आपको बताते हैं आर्टिफिशियल सीड किसको बोल सकते हो, जो 20% सेल से बन जाए ऐसा सीड। देखो, सीड की डेफिनेशन पहले आपको हम समझाना चाहते हैं। सीड का एनी प्लांटिंग मटेरियल दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, वो सीड हो गया। अब वो जरूरी नहीं है कि वो ये सीड कोट वाला सीड हो, या फिर एक सेल को भी एज ए सीड यूज कर सकते हैं। तो सिंथेटिक सीड में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर किसी सेल को, टिश्यू को, जो इस जिसमें टोटिपोटेंसी कंडीशन पाई जाती है, टोटिपोटेंसी हमने आपको पिछले वीडियो में टोटिपोटेंसी का मीनिंग पढ़ाया था, आप हमें, अब हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आप हमें टोटिपोटेंसी का मीनिंग अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। टोटिपोटेंसी क्या होती है, टोटिपोटेंसी हेवरलैंड नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने डिस्कवर किया था टोटिपोटेंसी, और आप इसको, इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल सीड और सिंथेटिक सीड क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि जो जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई कि एनी प्लांटिंग मटेरियल, कुछ भी हो, एक सेल है उसको हम क्या करें, इनकेप्सुलेटेड कर देते हैं, किससे, केमिकल से। इनकेप्सुलेटेड मतलब एक कैप्सूल फॉर्म बना देते हैं, जो हाइड्रोजेल्स होते हैं। हाइड्रोजेल्स कैसे होते हैं, जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी और कुछ केमिकल्स के बने होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बिच बिलीव से टू टू जो है ना, ट्रू सीड्स के जैसे व्यवहार करते हैं। तो जो ट्रू सीड्स जो दोस्तों होते हैं, आप समझिए कि जो ट्रू सीड्स के जैसे व्यवहार करेंगे, इफ इफ ग्रो इन सॉइल कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रू सीड्स,
और इसका हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीड्स होते हैं हमारे ट्रू सीड्स, उसकी जगह हम इनको यूज कर सकते हैं। एंड पोसेस द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू अ प्लांट इन एक्स विट्रो और इन विट्रो, बाहर भी और अंदर भी। इसका मीनिंग ये है कि हम इसको फील्ड में भी ग्रो कर सकते हैं और इसको एनालिसिस के लिए हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं दोस्तों, किसी टोटिपोटेंट सेल को केमिकल के हाइड्रोलेटेड जेल में उसको बंद कर देना, उसके कैप्सुलेटेड फॉर्म बंद कर देना और उसको फ्यूचर में फील्ड और लेबोरेटरी में यूज करना। तो देखो ये है हाइड्रोजेल्स हैं दोस्तों, ये किस कोई सेल और एम्ब्रियो निकाल लिया तो इसको डायरेक्ट कैप्सुलेटेड कर दिया, बाद में जब इसको जर्मिनेट करेंगे तो देखो ये ग्रो हो गया। तो ये आजकल बहुत एडवांस मेथड है जहाँ पर अपन समस्या आती है। अब ये बहुत इजी होते हैं जर्मनी में क्योंकि इसमें हाइड्रोलेटेड जेल होते हैं। दूसरा आ गया दोस्तों प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, जो प्रोटोप्लास्ट होता है दो सेल्स का, जिनमें से एक सेल्स का न्यूक्लियस होता है और एक सेल का सिर्फ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो इसमें क्या करते हैं, दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा देते हैं। देखो प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, सोमेटिक सेल्स लेते हैं इसमें, सोमेटिक सेल मतलब इसमें जर्म सेल्स नहीं लेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सीएमएस लाइन, तो ये सीएमएस क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेल लाइन जो होते हैं ना, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेल लाइन प्रोडक्शन करते हैं। अब जहां अगर मेल स्टेलिटी आ गई तो वो क्या करेगा, उसको हम एज ए फीमेल प्लांट यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। सोमेटिक हाइब्रिड विद स्पेसिफिक लाइन जीन, तो ये क्या होते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड होते हैं जो सोमेटिक सेल्स के, दो सोमेटिक सेल्स के बने होते हैं और किसके स्पेसिफिक एलियन जीन, और इसमें जो होता है ना स्पेसिफिक हम दूसरा जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। प्रोडक्शन ऑफ यूनिक न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। अगर किसी सेल्स में बहुत यूनिक कोई जीन है तो हम उसका साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन करा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटो टेट्राप्लॉयड और एलो टेट्राप्लॉयड, ये सब पता है। इस तरह की सेल अगर हम लेंगे तो ये प्लॉयडी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सेल कैसी है। अगर सेल ऑटो डिप्लॉयड है तो हम इसको दो सेल्स ऑटो डिप्लॉयड लेंगे तो ऑटो टेट्राप्लॉयड बन जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोजाइगस लाइन, दोस्तों हेट्रोजाइगस लाइन बना सकते हैं इसको, जो कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोमाक्लोन वेरिएशंस क्या होते हैं दोस्तों, सोमाक्लोनल वेरिएशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलीप्लॉयडाइजेशन। तो जो सोमाक्लोनल वेरिएशंस जो होते हैं कि जो दोस्तों जो सोमेटिक सेल्स में अगर हम वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सोमाक्लोन वेरिएशंस बोलते हैं। तो दोस्तों जो सोमाक्लोन वेरिएशंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम मुझे अगर हम दो सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन करते हैं तो जो प्रोजेनी बनेगी, मीन्स जो एक सेल्स बनेगी, जो एक सेल बनेगी, उस सेल में जो वेरिएशंस देखे जाएंगे, एक्चुअली ये सेल कैसी होना चाहिए, जबकि आइडेंटिकल और ट्रू टाइप होना चाहिए, क्लोन जैसी होना चाहिए, बट इसमें भी कुछ वेरिएशंस हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो इन्हीं वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, सोमाक्लोन वेरिएशंस करते हैं, जो किस में देखा जाता है, सेल्स के फ्यूजन का, तो उसके प्रोजेनी में देखा जाता है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन बी राइज्ड विच इंड्यूस रेसिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर डिसीज, और ये किसी के लिए करते हैं कि किसी स्पेसिफिक डिसीज के लिए अपन एक रेसिस्टेंस पैदा कर सकें, एक रेसिस्टेंस पैदा करें। हमें मालूम है कि किसी प्लांट में अगर डाईबैक डिसीज नहीं आ रही है या फिर इसमें टोमेटो विल्ट जो नहीं दिख रहा है और वो बहुत रसिस्टेंट है, तो हम उसकी सेल्स को निकाल के ऐसी वराइटीज के फ्यूजन करा सकते हैं जिसमें क्या है उसका यील्ड बहुत अच्छी हो। तो इससे से क्या है, इस डिसीज के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी और यील्ड भी अच्छी मिल जाएगी। अरबिसा रसिस्टेंट के लिए कर सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट के लिए कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेज हैं सोमाक्लोन वेरिएशंस के। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज टिश्यू कल्चर पढ़ाया था, हम थोड़ा सा इसमें रिपीट करा देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन सिंगल एक्सप्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड इनटू सेवरल थाउजेंड्स प्लांट्स इन लेस देन अ ईयर। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सेल्स
सॉरी प्लांट्स बना सकते हैं, किससे, एक सिंगल एक्स प्लांट से। तो इसका मीनिंग होगा कि इसमें बहुत कम समय में लगेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बन जाएंगे। इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनसे हम बच जाएंगे। दिस अलाउ फास्ट कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। जैसे कि अभी ये पोटैटो में चल रहा है, तो ये पोटैटो में क्या क्या करता है कि हम पोटैटो का कल्चरिंग कर लेते हैं, तो इससे बहुत नंबर ऑफ प्लांट बन जाते हैं। शुगर केन में भी ये अपन आजकल टिश्यू कल्चर चल रहा है, पोमग्रेनेट में चल रहा है, पपाया में चल रहा है, अपने बनाना में चल रहा है। तो ये बहुत कमर्शियल यूज इनका हो रहा है आजकल। ऑर्किड में भी इसका बहुत यूज हुआ है। ये क्या वेरी यूजफुल सॉल्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्टारवेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सिंस द प्रोसेस इज हाई इफिशियंट। देखो दोस्तों, अगर हमको 1 महीने अगर किसी को जनरेट करने में बनाने में लग रहा है, जो सेल में बहुत कम समय में बन रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम कई साल के जो गैप है कुछ प्लांट्स में उसको कम कर सकते हैं, कुछ में कुछ महीनों गैप कम कर सकते हैं। तो जो हम लोग अर्ली क्रॉप ले सकते हैं, तो ये इसके मेन यूज हैं। टेकिंग एन एक्सप्लांट डज नॉट यूजली डिस्ट्रॉय द मदर प्लांट। और देखो दोस्तों, अगर हम किसी प्लांट का पार्ट लेते हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं हो गया कि हमने उसका मदर प्लांट को डिस्टर्ब कर दिया। तो जो रेयर इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो बहुत इंडेंजर्ड है, उनका हम छोटी सी पत्ती से लेके या छोटा सा जो उसका रूट का पार्ट लेके भी हम उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर वरदान साबित हो रही है। इंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। वंस एस्टेब्लिश्ड अ प्लांट टिश्यू कल्चर लाइक कैन गिव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ यंग प्लांट्स थ्रूआउट द ईयर। दोस्तों इसमें किसी मौसम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे क्या है हमें कि थ्रू आउट द ईयर हम लोग प्लांट की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा एडवांटेज है। बाकी अगर अपन लैब के बाहर करते हैं, तो हमें सीजन का ध्यान रखना पड़ेगा किस सीजन का प्लांट है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस पर्टिकुलरली गुड फ्लावर्स फ्रूट्स हैव अदर डिजायरेबल ट्रेट्स। अब इससे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या है, लोग हम लोग अगर फ्रूट का है तो हाई यील्डिंग जो फ्रूट्स के क्लोन्स बना सकते हैं, और उसमें कुछ डिजायरेबल ट्रेट्स भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ सीड। दोस्तों ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि जिस प्लांट का हमारे पास सीड प्रोपेगेशन की सुविधा नहीं है, उसको टिश्यू कल्चर से इजीली कर सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेजिटेबल प्रोपेगेशन भी बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम क्या करते हैं उसको टिश्यू कल्चर से बहुत फास्ट ग्रोविंग तरीके से 1 से 2 महीने उसकी सीडलिंग बना के, और हम लोग कई सालों की जो है प्रोसेस बडिंग ग्राफ्टिंग और जिससे 1 साल तक उसको सीडलिंग को मदर प्लांट रूट स्टॉक तैयार करना, इस चीज से बच जाते हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा एक इसमें एडवांटेज है। और बोला, और नेसेसरी पोलिनेटर टू प्रोड्यूस सीड्स, द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम द प्लांट सेल दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये हो गया दोस्तों, टिश्यू कल्चर क्लोन्स आर टू टू टाइप। दोस्तों टिश्यू कल्चर से अगर जो क्लोन बनाते हैं, टू टू टाइप होते हैं, इनमें वेरिएशंस बहुत ना में होते हैं। तो ये एक अच्छा है कि अगर हमारा हाईलिंग वरायटी है, तो उससे जो नई वरायटी हम प्रोड्यूस करेंगे दोस्तों, तो वो भी हाईलिंग ही रहेगी। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट इन स्टार कंटेनर रिड्यूस द डिसीज ट्रांसमिशन। और इससे अपन डिसीज प्री जो है ना प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा फायदा है। और स्पेशली वायरस फ्री प्लांट, प्लांट टिश्यू बैंक कैन बी फ्रोजन। और दोस्तों हम इससे क्या है ना, कुछ सेल्स को कंजर्व करके भी रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। टिश्यू इज अलाउड फास्ट सिलेक्शन फ्रॉम द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। और इसमें क्या है, हम बहुत जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करके, जैसे जितनी जल्दी प्रोजनी बनाते जाएंगे, उतनी जल्दी प्रोजनी आइडेंटिफाई करके हम लोग एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। देखो डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, कि इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा, इसमें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें आया और भाई टिश्यू कल्चर में काम करने लग गया। इसके लिए उनका हाथ बहुत शार्प होना चाहिए,
और जो एक्सपेंसिव लेबर जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इस तरह के लोग, क्योंकि यूनिक लोगों का डिमांड बहुत होता है। दूसरा ये है कि इसमें कभी कभी सक्सेस परसेंट कुछ का हमें बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है, कुछ प्लांट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर सकते नहीं करते हैं। और इसमें जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि बार बार कल्चरिंग करना तो इसमें होता है। दोस्तों इसमें क्या पोजीशन स्पेशलाइजेशन, तो इसमें एक स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता होती है इसके ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके प्रोसीजर में देयर मे बी एरर इन आइडेंटिफाई ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर कल्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम पहले से आइडेंटिफाई नहीं होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए थे हमारे। दोस्तों ये टॉपिक है कि एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इसका क्या फायदा है। टिश्यू कल्चर हैज बीन एक्सप्लोरेड टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देखो दोस्तों जेनेटिक वेरिएबिलिटी मीन्स इसमें विविधता करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। विच क्रॉप प्लांट्स कैन बी इम्प्रूव्ड टू इम्प्रूव द स्टेट हेल्थ एंड प्लांटेड मटेरियल एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजायरेबल जर्मप्लाज्म अवेलेबल टू द प्लांट ब्रीडर्स। और ये हमें क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स मिल जाती हैं किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए। द कल्चर ऑफ सिंगल प्लांट एंड मेरिस्टम कैन बी इफेक्टिवली यूज टू इरेडिकेट पैथोजन फ्रॉम द प्लांटिंग मटेरियल। दोस्तों जो ये बर्ड बोला है इसमें डिजीज प्री प्लांटिंग मटेरियल हम इजीली इसमें इससे प्राप्त कर सकते हैं। लार्ज स्केल माइक्रो कल्टीवेशन कर सकते हैं कमर्शियली, जैसे अभी बनाना का चल रहा है, पोमिग्रेनेट का चल रहा है, साउथ में बहुत इसका यूज होता है, तो ये सारे कमर्शियल हैं। तो दोस्तों ये इसके हो गए एडवांटेज इस क्रॉप में। अब दोस्तों स्पेशल हम पोटैटो के लिए बताते हैं। पोटैटो का जो साइटोकॉटिलेडोनम टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर व्हेन द ग्रोन इन इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस प्रोड्यूस मिनिमम ट्यूबर्स। तो ये क्या है कि जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर व्हेन ग्रो इन इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस प्रोड्यूस मिनी ट्यूबर्स, मीन्स अगर हम इसको नेट हाउस में ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं कि ये मिनी ट्यूबर्स बनाते हैं। तो ये है टिश्यू कल्चर ऑफ मिनी ट्यूबर्स गिव 20-30% हाई यील्ड। और जो मिनी ट्यूबर्स जो हैं क्या करते हैं दोस्तों, ये 20-30% हायर यील्ड देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि भाई हमें कम से कम अगर 20% भी ज़्यादा फील्ड से इसमें यील्ड मिल रही है कम समय में, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिसीज। आपको पता है बैक्टीरिया वायरस से हम इसको आराम से एफिड वगैरह से बच सकते हैं। यूनिफॉर्मली शेप्ड पोटैटो, और ये जो क्या होते हैं कि एक जैसे शेप होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा छोटा ऐसा हो जाए, इनका क्या है जो शेप होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ये देखिए दोस्तों एक कैसे पॉट्स में इसको ग्रो किया जा रहा है, ये देखिए ये देखिए। तो यही है, अब बनाना में देखें बनाना में क्या फ़ायदे हैं। डिसीज एंड पेस्ट प्री प्लांटिंग मटेरियल मिल सकता है, लिटिल स्पेस नीडेड फॉर द मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। और स्पेशली हमें कम से कम स्पेस चाहिए रहता है किसके लिए, बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाने के लिए। प्लांटलेट्स मोर बिगरस यूनिफॉर्म शॉर्टर हार्वेस्ट पीरियड हायर बंच वेट। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो भी बनाना आता है उसमें क्या है कि एक तो बढ़िया होता है, बिगरस मीन्स बहुत हेल्दी होता है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होता है, हार्वेस्ट पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो बहुत अच्छा बंच वेट मिलता है। एलाव फॉर फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सुपीरियर जर्मप्लाज्म, और इसका ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजी होता है। अपन छोटे छोटे से गमले या कंटेनर्स में इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फ्रूट्स में पाइनएप्पल वगैरह में ये रेसिस्टेंस डिसीज पेस्ट के लिए होता है, अच्छा होता है। यूनिफॉर्म वगैरह वेट वगैरह होगा, यूनिफॉर्म फ्रूट वेट होगा, अच्छा यील्ड होगा। और दूसरी बात, अच्छी यील्ड आने के साथ अगर एक जैसा शेप आता है तो हमें ग्रेडिंग की जो प्रॉब्लम्स है ना उससे भी बच जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे इसके फायदे हैं, जो इसमें मिलीवग की प्रॉब्लम होती है उससे बचाएंगे, नेमेटोड बेल्ट डिसीज, हार्ट रॉट इसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इससे भी हम बच जाते हैं।
फास्ट ग्रोविंग होती है, स्पाइनलेस होते हैं। आपने देखा होगा कि पाइनएप्पल में स्पाइन्स होते हैं, तो ये स्पाइनलेस फ्री होता है। और जो लीव्स का कलर होता है वो भी अच्छा अट्रैक्टिव डार्क है। स्वीटर बहुत अच्छा होता है, पल बहुत अच्छा स्वीट होता है। और जो है क्या, नेचुरली राइप राइप भी हो जाता है। अब अपन पपायाम देखते हैं, पपाया में इसके क्या क्या फायदे हैं। रैपिड एंड मास प्रोपोगेशन ऑफ होमोजाइगस एंड यूनिफॉर्म प्लांट्स फॉर बोथ कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पज। इसका ये मतलब है मास प्रोपोगेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जैसे होमोजाइगस यूनिफॉर्म प्लांट बना सकते हैं। किसके लिए? कमर्शियल के लिए, यूज के लिए, ग्रो करने के लिए और रिसर्च पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों ये पपाया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एज द सेक्स ऑफ द प्लांट इज नॉन, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेल टू फीमेल प्लांट प्लांट स्पीसीज कैन बी प्रोड्यूस। अब दोस्तों आपको पता है कि पपाया में जो सेक्स होते हैं वो बहुत 12-13 तरह के होते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसे टाइम पे जो सेक्स का आइडेंटिफाई करना बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हम टिश्यू कल्चर में जाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि ये प्लांट इसका सेक्स फॉर्मी है, तो उसी का प्रोड्यूस करें। तो हमें जो क्या है ना, इसका जो सेक्स रेशो मेंटेन करने में फील्ड में बहुत आसानी रहेगी। टू डिक्रीज मोर्टेलिटी परसेंट एंड इंक्रीज द जर्मिनेशन परसेंट। और दोस्तों मोर्टेलिटी मतलब होता है कि फील्ड में जो प्लांट्स मर जाते हैं उस मोर्टेलिटीज को हम कम से कम कर सकते हैं, यील्ड को बढ़ा सकते हैं, अवॉइड पपाया वायरल डिसीज। और जो पपाया की डिसीज होता है मोज़ेक है, रिंग वगैरह है, और ये सभी से हम बच सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर देखो क्वालिटी अच्छी होती है तो मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छी मिलती है। यूनिफॉर्म साइज होती है तो ग्रेडिंग के फायदे से बच जाते हैं। यूनिफॉर्म राइपनिंग होती है तो एक साथ हार्वेस्ट होके हम लार्ज स्केल मंडी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे मेन फायदे थे। अभी सनफ्लावर में भी हो रहा है, जरवेरा में भी हो रहा है। जरवेरा का तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हाइब्रिड सीड है, जर्मिनेशन फ्लावरिंग बाय एक्जिलरी बर्ड एंड प्रोलिफरेशन एंड सेपरेशन कर सकते हैं। ऑर्किड में इसका बहुत यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये पपाया के बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों प्लीज़ देखते रहिए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे और हमें जितने व्यू और जितने उसमें लाइक कमेंट्स मिलेंगे, हम उतने ही मोटिवेट होकर आपको नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर सच में हमारा वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली है, अगर थोड़ा आपको कुछ हटके मिला है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस लॉकडाउन में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के नियमों का पालन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।